हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग क्लासेस। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो ये ब्यूटीफुल जो सर्कल बनता है वो कैसे बनाया जाता है। एक्चुअली जो हम पहले सीखना था हमें, लेकिन किसी कारण से एक वीडियो मिस हो गया था, उसको मैं आज यहां पे ले रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने को आइडियली ओपन कर लेना है। तो आइडियली ओपन कर लीजिए और इसके अंदर कंट्रोल एन करके नया फाइल ओपन कर लीजिए जिसमें हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो कंट्रोल एन कीजिए, नया फाइल ओपन होगा। अब इस फाइल को आप सेव कर दीजिए और मैं कर देता हूं कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं आप। कंट्रोल एस दबाइए। तो अब हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है और अब हम अपना जो सर्कल जैसा दिख रहा है आपको, वैसा सर्कल यहां पे अब हम बनाने वाले हैं। तो आपने पहले अगर वीडियोस देखे होंगे तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा प्रोग्राम हम लोग चेंज करेंगे, वो आपको नोट करना है। और आप में से काफी लोग तो इसको शायद देख करके बना भी रहे होंगे और बना भी लिया होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। और तो सबसे पहले क्योंकि हमें ड्राइंग करना है तो हम लोग इंपोर्ट टर्टल करेंगे। इंपोर्ट टर्टल हमने किया और उसके बाद हमें क्या करना है, हम टर्टल को डिफाइन कर देते हैं कि भाई बार बार हमें टर्टल ना लिखना पड़े। तो हम बोलते हैं जहां भी हम यूज करेंगे टी इज इक्वल टू, तो हमारा आएगा टर्टल डॉट पेन। तो ये भी हम पहले इस चीज को यूज कर चुके हैं जब हम टर्टल के वीडियोस बनाए थे उसमें भी, और इनिशियल जो हमारे वीडियोस थे 5-6 उसमें भी हमने इस कमांड को काफी यूज किया है। टर्टल डॉट पेन हमारा आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, सर्कल्स लगाना है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं कितने सर्कल्स हमें बनाने हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स। और ये अंडरस्कोर मैं क्यों यूज करता हूँ, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था कि अंडरस्कोर यूज करना है, ये कैसा आपका स्टाइल रहता है, इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। तो पास्ट वीडियोस जिन लोगों ने देखे हैं उनको शायद दिक्कत ना आ रही होगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप भी पास्ट वीडियोस देख लीजिए ताकि आप अच्छे से है इस कोडिंग को समझ पाएंगे। एक वीडियो देख लेने से कोडिंग नहीं सीखा जाता है, पूरे सीरीज देखा जाता है। तो आप पुराने वीडियोज हमारे एक नंबर वीडियो से लेके आज तक के वीडियोज देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से ये चीज कर पाएंगे। और जो लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से ये जो मैं प्रोग्रामिंग बना रहा हूँ इसमें वो अच्छे से बना पाएंगे और समझ पाएंगे। तो हमने नंबर ऑफ सर्कल्स है वो इनपुट मांग रहे हैं यूजर से, तो हम मांग रहे हैं टर्टल। इनपुट क्या मांग रहे हैं, टर्टल डॉट नंबर इनपुट। तो ये भी हम पहले सीख चुके हैं कि जब हमें नंबर इनपुट के लिए अगर पॉपअप जनरेट करना है तो हम टर्टल डॉट नम इनपुट जो है वो डाल देते हैं। हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, उसको ठीक कर लेते हैं। टर्टल डॉट नम इनपुट आप जब डालेंगे तो नंबर इनपुट आ जाता है। टेक्स्ट इनपुट हमें करवाना है, टेक्स्ट इनपुट हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्योंकि हम यूजर है उससे सर्कल का नंबर पूछेंगे कि भाई आपको कितने सर्कल का वो डायग्राम बनाना है, तो उसी अकॉर्डिंगली जो है सर्कल बनेगा। तो हम यहाँ पे यूजर को वो पॉपअप जनरेट करवाने के लिए देते हैं टर्टल डॉट नम इनपुट में, जिसमें यूजर अपना इनपुट डालेगा। उस टर्टल डॉट नंबर इनपुट जो मेरा जो ओपन होगा पॉपअप, उसके हेडिंग जो होगी वो मैं डाल देता हूँ टोटल सर्कल्स। तो उसकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी हमारी टोटल सर्कल्स, और जो पॉपअप होगा उसके ऊपर यूजर से क्या पूछना है, तो यूजर से ये पूछा जाएगा हाउ मेनी सर्कल्स यू वांट, हाउ मेनी सर्कल्स यू वांट, ये हमने यूजर से पूछ लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, अब देखिए जरूरी नहीं कि यूजर जो डालेगा वो 5 डालेगा, हो सकता है 5.5 डाल दे, 4.3 डाल दे, 2.1 डाल दे। तो यूजर अगर उसको डेसिमल फिगर में डाल दिया तब सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, क्योंकि अगर यूजर डालता है 4 सर्कल तो 4 सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर यूजर ने मान लीजिए लिख दिया आपका नंबर पॉइंट इनपुट है उसमें यूजर ने लिख दिया 4.6, अब 4.6 कैसे सर्कल ड्रॉ होगा, ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट हमारा आ जाता है। तो इसलिए हमने बोला था कि किसी भी नंबर को जब इस टाइप के नंबर डाल देते हैं तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको पूरा जो प्रोग्राम है इसको कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर बंद, हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इसके आगे जो है आप लिख दीजिए इंटीजर int, ये आपको सिंपल लिख देना है। अब इसके अंदर कुछ भी यूजर डालेगा वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये हो गई यूजर की बात, अब क्या करेगा, जैसे यूजर ये सारी चीजें लिख देगा उसके बाद क्या करेगा, हमें करना है हमारा रेंज डिसाइड करना है। तो रेंज हम देते हैं 4x इन
रेंज, और एक्स की रेंज क्या हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ सर्कल्स जितने डालेंगे वो हमारी एक्स की रेंज हो जाती है। नंबर जो हमने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल वही चीज हमें यहाँ पे डालनी है, कुछ गड़बड़ हुआ तो नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, इसको ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल वी कर दिया मैंने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमें कॉलन लगा दीजिए यहाँ पे, और अब यहाँ पे हमें डालना है कि टी डॉट सर्कल क्या ड्रॉ करना है, वो हमें डलर डल देना है। और जो टर्टल है वो क्या ड्रॉ करेगा, भी सर्कल ड्रॉ करेगा। सर्कल हमें कितना बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, कितने पिक्सल्स का जो सर्कल रहेगा वो करना है ड्रॉ, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए 100 का आप डालेंगे तो सर्कल 100 के हिसाब से बड़ा होगा, और अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो आप 120 डाल दीजिए, 130 डाल दीजिए, छोटा करना है तो 60 डाल दीजिए। तो ये आपका जो सर्कल होगा, एक सर्कल होगा, उसके साइज को ये डिसाइड करेगा। तो आपका हर सर्कल होगा वो इसी हिसाब से डिसाइड होगा। अभी हम चाहते हैं कि अगर मैं इसको सर्कल पे करता रहूंगा तो जितने भी सर्कल होंगे एक दूसरे के ऊपर सर्कल बनते जाएंगे, लेकिन हमारा जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो सर्कल है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा सर्कल आगे मूव करके हमें सर्कल बनाना है। तो हम इसको देख देते हैं टी डॉट लेफ्ट, यानी उसको लेफ्ट होना है, एक लाइन यहाँ पे पूरी करेगा ये 100 वाली, उसके बाद लेफ्ट होगा। कितना लेफ्ट होगा ये, क्योंकि हमें क्या है पूरे सर्कल बनाने हैं, पूरा राउंड बनाना है, तो पूरे राउंड जो होता है उसकी डिग्री अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो होती है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में हमें जितने भी सर्कल है उनको इक्वली डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए किसी ने 6 सर्कल किया है तो 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी हर सर्कल के बीच में 60 60 डिग्री के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। लेकिन किसी ने मान लीजिए 60 सर्कल किया है तो वो 6 6 डिग्री के हिसाब से आगे मूव करेगा। तो इक्वली हमें दिखाना है ताकि वो ब्यूटीफुली दिखे, इसके लिए हम क्या करते हैं 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कल, जितने भी सर्कल वो करेगा उसको 360 में डिवाइड करके उतना लेफ्ट टर्न करता जाएगा, ताकि हमारा सर्कल है वो बहुत ब्यूटीफुल बन जाए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये हमने डाल दिया टी डॉट लेफ्ट 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कल्स। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो बन गया है। अब देखिए, अब इसको मैं प्रोग्राम को रन करता हूं। आप यहाँ पे जाइए रन में, सेव कर लेना है, पहले कंट्रोल एस प्रेस करेंगे सेव कर हो जाएगा, या फिर आप यहाँ जाके भी सेव कर सकते हैं, फाइल में जाके सेव कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपने कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको ये रन करने नहीं देगा, रन करने से पहले आपसे पूछेगा, आपको सेव करना पड़ेगा। तो मैंने सेव कर दिया है इसलिए मेरे जो है रन करने देगा ये, मैं रन मॉड्यूल पे गया हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पॉपअप जनरेट हुआ है जिसमें ऊपर लिखा हुआ आ गया हमारा टोटल सर्कल्स, जैसा हम चाहते थे कि ऊपर जो आएगा वो आना चाहिए हमारा टोटल सर्कल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आ गया टोटल सर्कल्स, और उसके बाद हम चाहते थे कि यूजर से ये पूछेगा हाउ मेनी सर्कल्स यू वॉन्ट, तो यहाँ पे आ गया हाउ मेनी सर्कल्स यू वॉन्ट। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए थे, या हमने भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो इसने भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। जैसा हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई मैं इस पे कर देता हूं कि 65 सर्कल मैं बनाना चाहता हूं, तो मैंने कर दिया ओके। अब टर्टल देखिए 65 सर्कल बनाएगा, इसकी स्पीड मैं थोड़ी बढ़ा देता हूं, आप अपने हिसाब से स्पीड रख सकते हैं, मैं स्पीड बढ़ा देता हूं ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए, आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो डायग्राम है वो कितना ब्यूटीफुल डायग्राम हमारा बन के आ गया है। तो यहाँ पे जो सर्कल है एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जो सर्कल टर्न हुआ है वो बिल्कुल, चूंकि 63 हम लोगों ने इनपुट डाला था तो ये 360 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री के हिसाब से चेंज हुआ, और इसलिए टोटल 63 सर्कल्स है वो बना दिए हैं। तो जितने हम कम सर्कल रखेंगे उतना यहाँ पे जो जगह दिख रही है वो उतनी ज्यादा होती जाएगी, जितने सर्कल्स का नंबर बढ़ाते जाएंगे उतनी यहाँ पे जगह कम होती जाएगी। तो इस हिसाब से आप चित्र बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले,
और अभी तक चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।